अयोध्या में आज से सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता कर दिया गया है। जिन गाड़ियों के पास पास है केवल उन्हें ही एंट्री दी जा रही है। आप यहां पर देखिए तस्वीरों में, इस गाड़ी में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान बैठे हुए हैं, फिर भी इन गाड़ियों को रोका जा रहा है। आप देखिए, अंदाजा लगाइए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त की गई है। यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के हाथों में रजिस्टर है, पहले इन गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि इनके पास बने हुए हैं कि नहीं, और उसके बाद फिर ही इन्हें एंटर करने के लिए इजाजत दी जा रही है। ठंड का मौसम है, काफी ज्यादा ठंड है, हवाएं भी चल रही हैं, ऐसे में फिर भी यहां पर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से चुस्ती से यहां पर लगातार काम करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, चाहे वो गाड़ियां मीडिया की ही क्यों ना हो, उन गाड़ियों को भी लगातार चेक किया जा रहा है, पासेस देखे जा रहे हैं कि इनको पास इजाजत है या नहीं है। जिनके पास अयोध्या आने की इजाजत हो केवल वही एंटर कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ यहां पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहां इस तरीके का पास होना चाहिए, जो गाड़ियां एंटर कर रही हैं अयोध्या में उनके पास इस तरीके का पास होना चाहिए, और जिनके पास इस तरीके का पास नहीं है उन्हें एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो कमांडोज हैं, कमांडोज को भी तैनाती हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तो इस तरीके के बैरिकेटिंग पे हैं ही, इसके अलावा यूपी एटीएस के कमांडो, यूपी एसटीएफ के कमांडो, 13,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इस वक्त अयोध्या में लगातार चुस्ती से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो वहीं सीआरपीएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के 11,000 जवानों को लगातार यहां पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी विजुअल्स भी लगातार मॉनिटर किए जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना चुस्त दुरुस्त यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कर दिया गया है, और जिस तरीके से इनपुट सेंट्रल एजेंसीज ने दिया अयोध्या को लेकर 26 जनवरी को लेकर, उसके बाद से ये सिक्योरिटी और भी टाइट हो गई है और भी पुख्ता कर दिया गया है।